हाय गाइस, मैं हूं वैभव और इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो कोई कॉलेज में जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं ट्रेडिंग के जरिए, इन्वेस्टिंग के जरिए। तो देखिए दोस्तों, हर एक का जो कॉलेज गोइंग का, कॉलेज जाते समय का जो फेज़ होता है, जो टाइम होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता और सीखने की जो भूख होती है, जो चाहत होती है, ये भी होती है, पैसे कमाने की भी होती है, राइट। तो उस टाइम पे हमें कैसे स्टॉक मार्केट को सीखा जा सकता है, वो भी कम से कम बजट में, कम से कम पैसों में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू दिस वीडियो गाइस। आज का, जैसे मैंने बताया कि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, अगर आप कॉलेज में जा रहे हो और आपकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो भी है, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, कुछ भी हो, आपको सबको लगता है कि हमें कोई तो साइड इनकम होनी चाहिए, ओके। तो कोई लोग क्या करते हैं, पार्ट टाइम में जॉब करते हैं, या फिर कोई लोग कॉलेज को पार्ट टाइम में रखते हैं, जॉब को हाई प्रेफरेंस देते हैं, और कोई लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, कोई लोग ट्रेडिंग करते हैं। मैं जब कॉलेज में था तो मैं ट्रेडिंग करता था और फ्रीलांसिंग के कुछ छोटे मोटे काम करता था, तो वहाँ से थोड़ा बहुत पॉकेट मनी आता था और वहाँ बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, कुछ भी हो, अगर हम खुद से अगर करते हैं ना, कमाते हैं ना कॉलेज के टाइम में, तो वो उस रुपये की जो वैल्यू होती है ना, बहुत बढ़िया होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पर जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था, इन्वेस्टिंग कर रहा था, उस टाइम पर रिसोर्सेस नहीं थे, नॉलेज नहीं था, यूट्यूब पर कुछ भी वीडियो नहीं थे, YouTube पे मतलब दूसरे जो ब्लॉग्स होते हैं टेक्स्ट में, वो भी ज़्यादा नहीं थे। जो भी मैं सीखा हूँ, वो जो ब्रोकर की वेबसाइट होते हैं, वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन, नॉलेज सोर्सेस होते हैं, वहाँ से सीखा। दूसरा जो न्यूज़पेपर वगैरह होता है, वहाँ से सीखा। पर आपके लिए बहुत ही अच्छा ये चीज़ है, अगर आप सीख रहे हो तो YouTube पे तो भर भर के पड़ा हुआ है कॉन्टेंट, आपको सिर्फ चुनना है कि परफेक्टली कॉन्टेंट कौन दे रहा है। और हर एक का एक्सपर्टीज़ अलग है, कोई इंट्राडे में अच्छा है, कोई डिलीवरी में अच्छा है, कोई लॉन्ग टर्म में अच्छा है, और कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जैसे डेरिवेटिव सेगमेंट होता है उसमें अच्छा है। तो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपको सबसे पहले स्किल्स सीखने हैं, ओके। एक बार एंट्री करने के बाद में एकदम धड़ाम जैसे सारे ट्रेडिंग सेगमेंट्स में आप नहीं घुस सकते हो, हर एक के बंदे के लिए अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग सिक्योरिटी रहती है, आपको ढूंढना है कि आपकी पर्सनैलिटी कौन सी है और आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी सूट करती है। अगर आप डीप थिंकर हो, मतलब डीप थिंकर मतलब जो थोड़ा सा टाइम लेके अच्छे से चीज़ों को समझता है, उसके बाद में डिसीजन लेता है, उसके लिए इंट्राडे सही नहीं है। आप कुछ भी कह लो, इंट्राडे सही नहीं है। जो लोग फास्ट डिसीजन नहीं करें, चाहे उनका डिसीजन सही हो या गलत हो, डजेंट मैटर, अगर उनको लगता है, हाँ, उनके जो एनालिसिस है, उस एनालिसिस में अगर कोई चीज़ बैठती है, तो वो डायरेक्टली इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे मतलब आज के आज बाय, आज के आज सेल। तो ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग के एक टाइप में आता है। तो अगर आप स्टूडेंट हो और आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप ना ये भी कर सकते हो, एक पेपर पे पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब कौन सा डेट है, किस डेट पे, किस टाइम पे, कौन से सिक्योरिटी आप कितने प्राइस में बाय किए हो और कितने प्राइस में सेल किए हो, ये आप लिख सकते हो। और अपना अगर आप एक फिक्शनल एक अमाउंट अगर कैपिटल रखते हो, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ का अगर आपने कैपिटल रखा हुआ है, तो 100 रुपये का अगर शेयर है, तो 10 क्वांटिटी लिख के आप वहाँ लिख सकते हो कि कितना प्रॉफिट हुआ है उस सिक्योरिटी में। ऐसे करके आप एक महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का आप एक पेपर पे ट्रेडिंग का एक रिपोर्ट बना सकते हो खुद से, विदाउट एनी मनी। आप पैसा कमा नहीं रहे हो, ज़्यादा लॉस भी नहीं हो रहा है, बट आपको ना समझ आ रही है ये चीज़ें, आप स्किल सीख रहे हो, राइट। और अगर आपके पास पैसा है, चाहे वो 500 हो या 100 हो, 1,000 हो, कोई मैटर नहीं करता, आप थोड़ा थोड़ा करके लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो भी चीज़ें अच्छी है कंपनीज वगैरह वो आप ले सकते हो, दोस्तों से पूछ लेना, बट हम 100% ट्रस्ट मत रखना, क्योंकि मार्केट में कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर एक का जो एनालिसिस है वो किसी ना किसी टाइम पे वो फेल होता है। सबसे सुप्रीम जो एनालिसिस करता है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट ही है, मार्केट ही सबका बाप है, सबसे सुप्रीम ऊपर वाला है, कोई भी उसके आगे नहीं है, ठीक है। कितना भी पैसा कैपिटल लेकर आओ,
आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, मतलब उतना एनालिसिस अच्छे से नहीं कर सकते कोई भी रहने दो, क्योंकि मार्केट है ही ऐसा। तो आप ना हमेशा मार्केट को गॉड समझो, ओके, जो कोई भी मार्केट रहने दो, तो मार्केट में जो प्राइसेस दिख रहा है वही असल में भाव ही भगवान है, ठीक है। आप आपके दोस्त ने क्या बोला है, कौन सी कंपनी अच्छी है, वो उस पर मत जाइए, आप खुद से रिसर्च कीजिए कि स्मॉल कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस और फ्यूचर्स क्या होते हैं, अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन से होते हैं ऑप्शंस और फ्यूचर्स में, और इंट्राडे में पहले सेल कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट सेल कैसे कर सकते हैं, लॉन्ग किसे कहते हैं, बुल किसे कहते हैं, बेयर किसे कहते हैं, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके सीखने हैं, ठीक है। और इस सीखने के बाद में आपको सबसे इम्पोर्टेंट आती है चीज़, वो है टेक्निकल एनालिसिस। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता, प्राइस एक्शन काम करता है, बट दोस्तों अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता ना, तो आपको प्राइस एक्शन भी समझ में नहीं आएगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपको सबसे पहले प्राइस एक्शन नहीं बल्कि टेक्निकल एनालिसिस सीखने होंगे। टेक्निकल एनालिसिस अगर समझ चुके हो तभी आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो प्राइस एक्शन के ऊपर रहता है। और उसके साथ ही साथ आपको ये भी सीखना है कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, किसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, और फंडामेंटल डेटा पॉइंट्स किसे कहते हैं, जो कि फाइनेंशियल रिपोर्ट में, कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट में बताया जाता है। आप ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि जो भी इन्वेस्टिंग करने वाली जो कंपनी होती है वो एक कंपनी है, वो खाली स्क्रिप्ट नहीं है, जैसे बिटकॉइन वगैरह होगा है ना, वैसा स्क्रिप्ट नहीं है, उसके पीछे कुछ लोग काम कर रहे हैं। आप अगर कोई परचेस कर रहे हो शेयर, कोई शेयर बाय कर रहे हो, तो उस शेयर के आप मालिक बन रहे हो, ओके, तो वो मालिक बनने के बाद में आप हकदार हो उस कंपनी का, साल में जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट का कुछ डिविडेंड या फिर लाभ जो होता है प्रॉफिट का एक पार्ट लेने के लिए आप हकदार हो, ठीक है। कंपनी जो भी ग्रोथ करेगी उस ग्रोथ के आप एविडेंस हो, ओके, आप खुद एक पार्टिसिपेंट हो, राइट। तो कोई भी अगर शेयर परचेस कर रहे हो तो ऐसा नहीं समझने का कि ये पहले मतलब ये हवा का पैसा है, बिल्कुल नहीं है, हवा का पैसा नहीं है दोस्तों मेरे। तो मेरे दोस्तों ये जो पैसा, ये जो आप शेयर परचेस कर रहे हो ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको डेफिनेटली बेनिफिशियल रहने वाला है, अगर आप सही सही नॉलेज लेके अच्छे अच्छे खासे शेयर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें ट्रेडिंग के काफ़ी सारे टाइप्स भी होते हैं। कोई लोग इंट्राडे करता है, कोई पोजिशनल करता है, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। आपको आपकी स्ट्रैटेजीज ढूंढनी होंगी, राइट। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि जो भी आपको घर से पैसे मिलते हैं या फिर आप फ्रीलांसिंग या फिर जॉब करके जो भी पैसा कमाते हो ना, वो थोड़ा तो करके साइड में रखिए, किसी और बैंक में, बैंक अकाउंट में रखिए, और उस बैंक अकाउंट को आप लिंक करके ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। और बेस्ट ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा है उसकी लिंक्स जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल चुका हूँ, आप उस डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए और आप देख सकते हो कि कौन कौन सा अच्छा है, और वहाँ से आप अकाउंट ओपन करोगे तो मुझे थोड़ा सा एक अकाउंट ओपनिंग का जो कमीशन के तौर पर मुझे थोड़ा सा मिलेगा कमीशन, और आपको कोई भी उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, ठीक है। पर आपको एक अच्छी खासी गाइडेंस मैं इन फ्यूचर प्रोवाइड करने वाला हूँ, ये बात आप हमेशा समझ रखिए, क्योंकि हर एक को गिव एंड टेक पॉलिसी में आप बिलीव करो, ताकि आप मुझे कुछ हेल्प करो, मैं अगर आपको कुछ हेल्प करता हूँ तो दोनों का भी फायदा हो सकता है इसमें। तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज इन फ्यूचर में इस चैनल पे आने वाली है। तो अगर आपके कुछ डाउट्स है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।